तो भाई अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कोटा नगर निगम दशहरे की प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है और इस प्रदर्शनी में चल के आपको हम दिखाने वाले हैं। चलिए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं किस तरीके प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है। ये सामने देख सकते हैं इस झूले के जस्ट कोने पे यहाँ पर ये प्रदर्शनी लगी हुई है, राष्ट्रीय दशहरा मेला 2022। तो इसमें हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है अंदर प्रदर्शनी में। यहाँ पर देख सकते हैं आप 129वां राष्ट्रीय दशहरा मेला 2022 का बैनर लगा हुआ है। इधर यहाँ पर एंट्री गेट है, अभी इसमें अंदर चलते हैं हम। जैसे आप अंदर आएंगे तो यहाँ पर जो इस बार की खास झलकें हैं राष्ट्रीय मेला 2022, तो उसके फोटोग्राफ्स यहाँ पर लगे हुए हैं। और इधर आप देखेंगे तो मेला दशहरा 2022 जो शुभारंभ का जो कार्यक्रम था उसकी फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो रावण दहन हुआ था तो उसके फोटोग्राफ्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए आप गढ़ पैलेस की फ़ोटो लगी हुई है, और जो 2022 में जो अभी राउंड बना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इधर देख सकते हैं आप यहाँ पर जो राम बारात है पूरा, तो उसका फ़ोटो भी यहाँ पर है, और जो पूरी राम जी की सेना है उसके फोटोग्राफ्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं। साथ में आप देख सकते हैं पूजा अर्चना करते हुए, और इधर इंदिरा रसोई की फ़ोटो लगी हुई है कि राज्य सरकार के द्वारा जो इंदिरा रसोई चलाई गई है तो उसकी फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर लगी हुई है। इधर आप देखेंगे तो गैस आधारित सौदा ग्रह किस तरीके का है तो उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नगर निगम कोटा दक्षिण एवं मातृ सेवा संस्थान कोटा द्वारा संचालित गैस आधारित सौदा ग्रह। और इधर देख सकते हैं आप नगर निगम कोटा उत्तर दक्षिण निर्माण कार्य किस तरीके का अभी चल रहा है, किस तरीके का हो गया है, तो उसकी फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर लगाई हुई है। इधर आप देखेंगे मास्क वितरण इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत जो मास्क वितरण किया गया था तो उसकी फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर इसमें लगाई हुई है। तो कुल मिला के दोस्तों बात यह है कि जो राष्ट्रीय दशहरा मेला है इस बार का 2022 का, तो उसकी फ़ोटोग्राफ्स इस प्रदर्शनी में यहाँ पर लगी हुई है। इधर आप देखेंगे एंटी स्मोक गन, सीवरेज मशीन और कचरा संग्रहण की जो मशीन है टेक्निकल, तो उनको यहाँ पर बताया गया है। ये आप देख सकते हैं एंटी स्मोक गन मशीन यहाँ पर रखी हुई है, तो जब कोहरा वगैरह छा जाता है सर्दी के टाइम तो तब ये काम आती है। और सीवरेज मशीन जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, और इधर भी आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियर कॉरपोरेशन कोटा साउथ, तो ये भी एक स्मोक मशीन लग रही है, इधर देख सकते हैं आप। तो ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है। और इधर भी आप देखेंगे तो वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम किया गया है तो उसकी फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर देख सकते हैं आप। इधर देखिए पट्टा वितरण जो किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, तो यहाँ पर लगी हुई है। और इधर भी आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत जो कार्य हुए हैं, कार्य चल रहे हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर लगाई हुई है। इधर आप देखेंगे तो ट्रांसफ़र स्टेशन आप देख सकते हैं, और यहाँ पर लक्की ब्रिज की और ट्रैफिक गार्डन के सौंदर्यकरण की फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर लगी हुई है। तो गाइज ये थी कोटा नगर निगम द्वारा 129वां जो राष्ट्रीय दशहरा मेला है उसकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है। तो आपको ये प्रदर्शनी कैसे लगी? अगर आपको ये प्रदर्शनी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप देखने आना चाहते हैं तो उसकी लोकेशन में आपको स्टार्टिंग में बता दिए, आप आकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।